नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, कौन? गोरखपुर से अरविंद सिंह बोल रहे सर। हाँ जी बताइए। क्या हाल चाल सर? ठीक है, अपना बताइए। बढ़िया सर। बहुत दिन बाद बात हो रही है, लगभग 2-3 महीने बाद। अच्छा। जी तो सर ये बताइए कि ये बहुत ज्यादा ये शोर मचा पड़े हुए हैं, तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो है, जबकि ये एनसीटी की गाइडलाइन है कि क्या नाम है, बीएड वैलिड है, उसका गजट भी हो चुका है, तो ये क्या राजस्थान हाई कोर्ट और ये स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ का गवर्नमेंट जो है रोक लगा दिया, हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, ये सब क्या लफड़ा चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसमें क्या हो रहा है। आज और कल और परसों इधर जो लगातार हमने YouTube पर डाला है, जिनसे भी जो बात जी की आपने सुना है वो सब? नहीं, इधर वाला तो सर मैं नहीं सुना, मैं था ही नहीं, बाहर था। अरे कहीं भी रहेंगे, नहीं, YouTube तो हर जगह नहीं रहता असल में हम जहाँ रहते हैं वहाँ नेटवर्क नहीं रहता, अभी आ जाए हैं। है। चलिए, तो हमने YouTube पर डाला है, उसमें विस्तृत चर्चा हमेशा होती रहती है। और आपको जी बता दें जी कि आप जी जी जानते हैं कि जो विभाग बनाए गए हैं जी तो सबके अलग अलग कार्य तय किए गए हैं। जी जी बिल्कुल और आप जानते हैं हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या काम है? जी उनका काम शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग या कोई विभाग चलाना नहीं है, जी जी ना ही विभाग में ये तय करना कि कौन क्या बिल्कुल करेगा बिल्कुल कैसे करेगा, बिल्कुल। वो सब वो नहीं तय करते हैं। वो ये तय करते हैं कि ये कहीं आपका कोई, जीओ क्या है, गलत तो नहीं है, हाँ, कि कहीं पर कोई चीज नियम बना है या कहीं पर गाइडलाइन के अगेंस्ट ना हो। जो कुछ लिखित में है जी उस जी लिखित जी के विपरीत कुछ नहीं हो रहा हो। जैसे आप मान लीजिए हमारे आपके बीच में कोई व्यापार हो जी और जी आपका बिल्कुल कोई प्रोडक्ट हो, आपने तय किया कि बिल्कुल 100 रुपये पीस हम आपको देंगे और हमने हामी भरा और हमारे आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट तय हो गया। मेमोरेंडम तय हो जाता है कि ये इसको हम लोग लेकर के चलेंगे अब इस से। जो चीज लिखित में तय हुआ है उसके अनुसार आप जी चलेंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे, तब तक तो सब ठीक चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल अगर इन हमारे और आप में से कोई भी थोड़ा सा भी जो लिखित में तय हुआ है उसके इधर उधर जाएगा तो विवाद होगा। हाँ, तब भी बात होगा अब बिल्कुल। उस विवाद को लेकर के हल जिसको तकलीफ होगी वो जाएगा कोर्ट। जी अब कोर्ट क्या करेगी? वो आपकी तकलीफ नहीं देखेगी, हमारी तकलीफ नहीं देखेगी, वो ये देखेगी भैया आप लोगों ने तय क्या किया था। जी जी आप लोगों ने जो तय किया था उसके हाँ, अनुसार सही कौन किया कौन नहीं किया है उसका कि मार्क नहीं, तय। कौन गलत है कौन सही है, बिल्कुल हाँ, आपने अगर तय किया कि 1,000 रुपये की चीज हम 100 रुपये में देंगे तो आप ही ने तो तय किया था, तो बिल्कुल आपको देना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल और बिल्कुल आपने अगर तय किया था कि 1 रुपये की चीज हम 2,000 में खरीदेंगे तो आपने खुद तय किया है, तो फिर अब क्यों पीछे हट रहे हैं? क्या आपने तय बिल्कुल किया वो सही था गलत था वो मैटर नहीं है। आप लोगों ने जी समझौता किया है, लिखित में किया है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आपने तय कर लिया कि हम जो है फला व्यक्ति को 1 रुपये में देंगे, इसमें कोर्ट क्या कर जी सकती है? वो आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं। जी और आपने अपना तय कर लिया कि हमारी प्रॉपर्टी जो है 10 लाख की है, इसको कोई 10 करोड़ भी देगा तो हम नहीं बेचेंगे, तो 10 करोड़ देने बिल्कुल वाला भी कुछ बिल्कुल नहीं कर सकता। स्वाभाविक है। तो यानी कि जो लिखित में है और जिसका जी अधिकार है उस चीज पर जी वो क्या जी कह जी रहा है उसके अनुसार सब कुछ होता है। जी तो सारे अधिकार दिए गए हैं एनसीटी को, जी वही सारे गाइडलाइन तैयार करती है, रूल रेगुलेशन सारी वही चीज बनाती वही है। तो सर मैं ये कह रहा था, वही एकदम बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि भाई जो कार्यपालिका बना के देगी उसी के आधार पे न्यायपालिका जो है निर्णय करेगी अपना, तो ये राजस्थान हाई कोर्ट जो है आखिर उसने एनसीटी को नहीं देखा, जबकि उसको भी तो देखना चाहिए था। एक मिनट, किसने क्या देखा? आप अपने विचार दे रहे हैं, ठीक है अपना, जी बिल्कुल लेकिन बिल्कुल जो एक्चुअल धरातल पर जो चीज हो रही है उसको समझिए। देखिए, जी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में पूरा देश आता है, हाँ, पूरा देश है जो हाई कोर्ट है उसके जी अंडर में एक प्रदेश या कुछ प्रदेश आते हैं, जी जी है ना? जी जी तो बिल्कुल राजस्थान हाई कोर्ट के अंडर में सिर्फ एक प्रदेश आता है, राजस्थान। जी जी अब वहाँ कोई मुद्दा हुआ, वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के स्टूडेंट जो भी बच्चे हैं या टीचर बनना जी चाहते जी हैं, आवेदक हैं, उनके बीच में जी हुआ, तो वो दोनों लोग गए कोर्ट, ठीक जी है, जी दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो जी विज्ञापन निकाला है राजस्थान शिक्षा विभाग ने, तो जी वहां पर जितनी सुनवाई चल रही है, जो कुछ हो रहा है वहां के शिक्षा विभाग से हो रही है। जी और जब एनसीटी ने बीएड को वैलिड किया जी तो उसके गाइडलाइन के अनुसार पूरे भारत को चलना है। चलना है बिल्कुल
लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज केंद्र ने कह दिया तो तुरंत लागू हो ही जाए, कुछ चीजें तुरंत हो जाती हैं, कुछ चीजें टाइम लेती हैं। टाइम जैसे लेती है, टीटी लाइफ टाइम हुआ तो कहा गया कि भाई सभी राज्य अपने हैं लागू करें, यूपी ने, लागू करें, बिहार ने 1-2 महीने के अंदर कर दिया, कर दिया। कुछ राज्यों ने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, जी तो वो जो जी जी चीज राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है, जी केंद्र अपना करके एक गाइडलाइन, केंद्र ने कंपल्सरी नहीं किया कि आज ही करो, केंद्र ने कहा कि आप लोग इस पर विचार करके अपने यहाँ लागू करें, कोई टाइम बाउंड नहीं किया। तो जी राज्य के ऊपर जो है निर्भर करता है कि वो कितने समय में करेगी, अभी करेगी नहीं करेगी, अभी कंडीशन कैसी है, वो उनकी सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं। इसी जी हिसाब से राजस्थान ने अभी नहीं किया है अपने यहाँ बीएड को प्राइमरी वैलिड, या हो सकता है बीएड को किया हो, लड़के इस चीज को ये भी एक्सप्लोर हो कर रहे सकता है, हों। यही हो सकता है सर। एग्जैक्टली हमें मैटर पूरा नहीं पता है, जो जी भी मैटर है विवाद हुआ तो राजस्थान हाई कोर्ट में अलग अलग पक्ष गए होंगे, अपना अपना बात रखे होंगे, कोर्ट के सामने जो कुछ आया उतने के आधार पर जजमेंट दे दिया गया। उसी उसी के आधार पे इलाहाबाद हाई कोर्ट और ने जो है वो कर नहीं, लिया अभी रुकिए, लिया अभी जी रुकिए यहाँ पर, तो वहां पर जो जी कुछ आया उतने के आधार पर वो जजमेंट हुआ है। और आपको पता होगा कि जी हाई कोर्ट का कोई भी जजमेंट जब तक सुप्रीम जी कोर्ट उस पर मोहर न लगा दे तब तक वो अंतिम जी जजमेंट नहीं होता है। जी जी ठीक है, अभी वहां केस चल ही रहा है और वहां फाइनल जजमेंट नहीं हुआ है अभी, और न ही और अभी नहीं, तक जुलाई उनका। जुलाई वाले में सर एनसीटी वाले को तो तलब किया, बात हुआ कि भैया अपना दीजिए, तो इसीलिए जुलाई में डेट पड़ा हुआ है। तो अभी चल रहा है ना, जी, अभी वही फाइनल वही तो तो हुआ नहीं एनसीटी है। जाएगी। हाँ एनसीटी जाएगी, हाँ बुलाया गया तो अपना रखेगा कि भाई ये गाइडलाइन हमने दे रखा है। हाँ सब वो समझ में आ गया सर वो। और दूसरी बात एक और कि इस वक्त केंद्र में बीजेपी है और ये काम उन्होंने किया है बीएड को वैलिड करना। जिन राज्यों में बीजेपी है, आप जानते हैं जब केंद्र में राज्य में दोनों जगह सेम पार्टी जी, सेम तो रहता है तो इक्वल हो जाता है विचारधारा, वो। विचारधारा सेम हाँ होती है और दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। हाँ वहाँ नहीं दिक्कत होता। देखिए हाँ राजस्थान में क्या है, कांग्रेस है तो आप जान रहे हैं कि क्या है, अदर कितनी भी पार्टी का है तो थोड़ा सा विरोध होगा ना। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी, कोई हो, एक दूसरे का विरोध करना स्वाभाविक है। जी, वो राजनैतिक विचारधारा है वो। तो कांग्रेस जी कोई चीज करेगी तो बीजेपी विरोध करेगी, बीजेपी की जी तो बिल्कुल कांग्रेस विरोध बिल्कुल करेगी, केंद्र और राज्य में चलेगा ही इस तरह का, जी, वो पहले से चलता आ रहा है, ये तो है ही है, हमेशा स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक सी बात है ये। अगर जाहिर सी बात है कि राजस्थान में वो कांग्रेस सहमत हो है। जाएंगे तो सहमत हो जाने का मतलब कि सरेंडर कर देना तो वो बात सही है तो एक पॉइंट ये भी है, वहां पर राजस्थान में जी। कांग्रेस की सरकार है तो मुद्दों को उलझाए रखना है, केंद्र की चीजों को डिस्टर्ब करना है, तो कई कारण बने वहां पर। और खैर वहां पर अभी फाइनल जजमेंट नहीं हुआ है, और फाइनल जजमेंट जब भी होगा, अखबार में बड़े बड़े मोटे हेडिंग में आया कि नहीं, एनसीटी वो तो आएगा सर, क्योंकि अब के गाइडलाइन के ये अनुसार ही डिसीजन आएगा। जी, नहीं इसमें एनसीटी वालों को बुलाया गया ना, जो जुलाई में डेट लगा है 2 या 7 को शायद, पता नहीं 14 को कि कुछ ऐसे ही है, तो उसमें बुलाया गया है एनसीटी को, गया हुआ है, एनसीटी के लोग जाएंगे इलाहाबाद के लिए, तो जब जाएंगे तो अपना देंगे, तो यहाँ तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा तो अभी राजस्थान का फाइनल जी। ऑर्डर नहीं है, न ही सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है कि जिसके पास जी अधिकार है उसके बनाए नियम को वो कैंसिल करें। नहीं, वो कहाँ संभव होगा उसी उसी ऑर्डर को देखते हुए यूपी वाले, जी। जो जानते हैं बीएड का विरोध बीटीसी डीएलएड करते ही हाँ किया, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो इस कारण से यूपी वाले भी कि भैया राजस्थान चले पर गए। इस तरह का ऑर्डर आया तो हाँ चलो यहाँ भी। हाँ उसी का नजीर दे दिए वहां जा करके, तो कोर्ट करती क्या है, दो पक्ष जाएगा पहले कहेगा कि यथास्थिति बनाए रखिए, मालूम अभी आपका घर है, आपका पड़ोसी जो है, है सर एक केस दायर कर दे कि ये जमीन बिल्कुल। हमारी है, तो क्या पहले दिन ही कोर्ट उसको थप्पड़ मार के भगा देगी क्या? कोर्ट नहीं, वो तो यथास्थिति बनाई जाती है। क्या करेगी, उस केस पर आगे सुनवाई करेगी, भैया आप कह रहे हो तो आप अपना प्रमाण लाओ, और आपका है तो आप अपना प्रमाण लाओ। कुछ दिन तो केस चलेगा, जी कुछ समय लगेगा, महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, जब सब कुछ सामने वर्षों लग आएगा तब सकते फाइनल हैं होगा। लेकिन जी वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वो भी जानता है और आप भी जानते हैं, लेकिन जी केस तो चलेगा। चलेगा। अब और जब जो अन्य री व्यक्ति हैं, पटीशन फाइल हो गई तो हियरिंग तो होगी ना, जब तक कि फाइनल जजमेंट ना हो जाए और जो व्यक्ति जो है ना उससे संबंधित है, ना आपसे संबंधित है, जो जानता ही नहीं है किसकी है, वो जब सुनेगा तो जी। कहेगा भैया पता नहीं हाँ इनका पता नहीं इनका है, क्या है पता नहीं क्या जी। मैटर है, ये कह रहे हमारा वो। तो ऐसे ही जो व्यक्ति घर में बैठा है, जो ये हाँ जानता ही नहीं है, तो अखबार पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है नहीं, तो देख देख आधी देख कर, आधी अधूरी सर जानकारी खतरनाक होती है ना। यही तो प्रॉब्लम है यार।
कि लोग की आगे कुछ अधूरी जानकारी जानकारी रख रहे हैं। को वही हम पढ़े तो इसको देखे, हमने कहा कि जब ऑलरेडी एनसीटी का गाइडलाइन है और उसके बाद ये चीजें हो रही हैं तो एनसीटी से तो पूछा ही जाएगा ना भाई, स्टेट गवर्नमेंट तो उसी को फॉलो करेगी जो उनका सेंट्रल कहेगा। क्योंकि तो हमने कहा चलिए, जब दूसरे हियरिंग में उसने तलब कर लिया करके तीसरे वेले में, ऐसी बात है कि वो निर्णय हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी सर क्या स्थिति है, ये कब तक ऐसे चलेगा? आपकी आवाज रह रह के कटने लग रही है, जी आपकी आवाज कटने लग रही है, कह रहे हैं अच्छा, अब सर अभी अभी नेटवर्क इशू है थोड़ा सा लग रहा है। अभी अभी ठीक है, हाँ आ रही है, कभी कभी आवाज आ होगी। रही है। कह तो कुल रहा मिलाकर कि के आप सारे कंडीशन को ये समझ रहे हैं, जैसे इधर जी ऐसे नई शिक्षा नीति आई है जिसका जिक्र बार बार हम करते रहते हैं और लोग भूल जाते हैं। जो नई शिक्षा नीति यानी कि वो नीति है कि अब शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट क्या क्या करने वाली है, वो सब कुछ उसमें लिखा करने हुआ है। और उसमें वाली लिखा हुआ है कि बीएड ही अब चलेगा, चार रहेगा, वर्षीय 2030 के कोर्स बाद नहीं, बंद है सर, 2030 के बाद अन्य सारे कोर्सेज गवर्नमेंट सेक्टर में तो नहीं लिए जाएंगे, तो नहीं लिए जाएंगे जी। ये भी क्लियर है। और उसी नई शिक्षा नीति के अनुसार ही गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है क्रमशः, बाकी सारी चीजें चर्चा होती रहती है, वही पुरानी बातें हैं, रिपीट करते रहते नहीं हैं, आप जान ही रहे नहीं होंगे। वो तो है सर, वो तो है, लेकिन ये पुराना मैटर वाला जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपस में, ये वाला सर काफी डिले होता जा रहा है। कौन सा पुराना अरे मैटर? यही वही BCBTC 2011 से लेकर के पुराना ये सब मिला करके, दो पुराने मैटर को सिर्फ हजार देखिए, ग्यारह टेट वाला ये सब लेकर के जी पुराना जितना मैटर है उसको एक लाइन में समझिए कि पुराने मैटर में अब अलग से कुछ नहीं होना है, जो होना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होना है। तहत ही होना है जी। और केंद्र सरकार को घोषणा करना है, एक तरफ प्री प्राइमरी स्टार्ट किया गया है, हाँ और वो तो ट्रेनिंग चल रहा है, इधर भी हाँ डिस्ट्रिक्टों में चल रहा है, ट्रेनिंग तो चल रहा है। तो लगभग हमें लगता है कि 25-30% जो है आंगनवाड़ी कन्वर्ट हो गए हैं। बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग भी रेनोवेट हो रहे हैं तो प्री प्राइमरी की शुरुआत हो गई है, अब जो है शिक्षा मित्र को ले जाने की तैयारी है, जो जी। नॉन हमको टेट लगता है हैं। जुलाई में ले जाएंगे सर क्या? देखिए जब भी ले जाएं केंद्र को घोषणा करना है, क्योंकि भारत के सभी राज्यों की यही कंडीशन है, तो वो जी। एक साथ ही करेंगे, हो सकता है, या हो सकता है क्रमशः करें, लेकिन यूपी की हमको तो लगता तैयारी है हो कि चुकी है। जुलाई में हमको लगता है कर देंगे, क्योंकि ये समर वेकेशन के बाद जब खोलेंगे तो हमको लगता है कर लेंगे मे भी चूंकि चूंकि अभी जो कार्यक्रम चल रहा है जी। उसके दौरान तो हमें नहीं लगता है करेंगे, अभी जो 4 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है आंगनवाड़ियों को भी दिया जा रहा है, इधर शिक्षा मित्र और कार्य शिक्षकों को भी ट्रेनिंग वगैरह जो है कर लेंगे, और अभी एडमिशन का काम चल रहा था और वो भी पूरा नहीं हुआ, और जानते हैं जुलाई में भी एडमिशन होता एडमिशन, हाँ एडमिशन चलेगा चलेगा, जुलाई में तो है। चलेगा ही हाँ तो एडमिशन के दौरान जो है ये चीजें जी। नहीं करेंगे, हाँ जुलाई से थोड़ा आगे जा सकता है। कुल मिलाकर के काम चल रहा है, बस ये कि सरकारी काम है तो सिस्टम से ही चलेगा, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, इतना जैसे टाइम हो गया, जो कुछ करना था गवर्नमेंट को सब कर चुकी है, सारी तैयारी, सिर्फ अरे तो घोषणा करना, सर अगर ज्वाइनिंग। इसको अगर कर दिए तो समझ लीजिए कि ये एक तरह से ये ऐतिहासिक निर्णय होगा और ऐतिहासिक डिसीजन होगा। तो ये जब से आए हैं तब से ऐतिहासिक काम ही तो किए जा रहे हैं वही कर ऐतिहासिक होगा ये जो कि हम आप कल्पना नहीं करते हैं, कोई कल्पना नहीं करता कि ऐसा भी जी। कर पाएंगे, वो काम भी करके दिखाते हैं। लेकिन अब फर्जी वाले अभी भी पड़े हैं सर, कुछ धीमी गति से इधर निकल रहे हैं लेकिन धीमी गति से निकल रहे हैं देखिए 130 करोड़ से ज्यादा आबादी हो गई है, और 130 करोड़ में एक एक व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब पर नजर रखना है, ये संभव नहीं है। संभव नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। अरे हाँ एक विभाग परिवार अधिक, में आदमी नहीं रख पाता है। हाँ हाँ तो विभाग अपना काम कर रहा है, जहां जहां जब जब जी जैसे जैसे उनके सामने आते जाते हैं मैटर, उस हिसाब से फिर वो जी काम कर रहे हैं, और वो विभाग का काम है, हमको आपको इस पर चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अभी अभी हमने सर देखा है, एक दिन मैं पेपर में करीब हमको लगता है कि महीना दिन पहले कि 20 दिन पहले कि आपको मैं बताऊं कि 12 लोग थे, 12 लोग कि 20 लोग थे, और तकरीबन 80 करोड़, 89 करोड़, 89 करोड़ का इन लोगों ने सैलरी लिया था और बर्खास्त हुए हैं, रिकवरी का आदेश हुआ, अभी तक रिकवरी नहीं हुआ, 89 करोड़ रुपया तो आजकल जिस जिसने भी गलत किया है जी। करीब 25 लोग हैं उसमें, जब भी पकड़ा जाएगा तो उसमें FIR तो दर्ज है और सारी चीजें हैं जी। उसकी तो नौकरी भी जाएगी, हाँ रिकवरी भी होगी, हाँ नौकरी जाने के साथ साथ जेल भी जेल भी जाएगा। होगा और रिकवरी भी होना तय है। हाँ वो तो ही है, रिकवरी तो शिक्षा मित्र मैटर में भी होने को था, लेकिन चूंकि बहुत सरकार उसमें ज्यादा सरकार की थी ना सर,
हाँ चूंकि इसलिए सरकार ने हमको लगता है कि रिबेट मिल गया उसमें। अगर हाँ ये अगर क्या नाम हमको लगता है अभ्यर्थी किया होता तो हो जाता, हाँ अभ्यर्थी किया होता तो तो हो इसमें जाता, पर सरकार सरकार दोषी थी, इसीलिए हमको इसीलिए लगता है राहत रिबेट मिल दिया था। गया। हाँ इसीलिए, जी तो इसीलिए जी उनको जो ट्रेनिंग भी उनकी अवैध थी, ट्रेनिंग भी इसीलिए बचा दिया गया, भैया चलो कम से कम आगे रास्ता बन जाए इनका। और जी नहीं, उनको ये वाला जो सर अगर हो जाता है 2000 से लेकर के जो विशिष्ट बीटीसी वगैरह थे और बीएड वाले थे ये लेकर के, अगर और थोड़े 2011 बड़े का भी हैं टेट जो है ये समझ लीजिए ऐतिहासिक है, बड़े लोगों का कल्याण हो जाता है। होने ही अब बहुत जाता ज्यादा है, संख्या भी नहीं है, हमको लगता है बहुत ज्यादा क्योंकि संख्या भी नहीं है। बहुत नहीं है संख्या, क्योंकि मुद्दे इतने उलझा कर रखे गए, एक ही व्यक्ति जो है चार जगह छह जगह नाम है उसका, एक ही व्यक्ति कई कई टेस्ट एक ही पास करके व्यक्ति है, बैठा हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब में है, एक ही व्यक्ति सब में है। इस वजह से सिर्फ आंकड़े ज्यादा दिखते हैं। हम्म, फिल्टर जब करेंगे हमको लगता है कि क्या नाम है डेट पे एज पे या किसी वैधानिक क्या कहना आईडी पे अगर फिल्टर करेंगे तो निकल के आ जाएगा एक्चुअल केस में। आज के टाइम में यूपी के अंदर टेट पास जी कैंडिडेट अभी भी इतने नहीं हैं कि नहीं है, जितने गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को मिला करके जरूरत है। भाई जरूरत है। प्राइवेट जो स्कूल हैं उनको जी भी तो गवर्नमेंट को ही देखना है ना भाई, बिल्कुल 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 बीएड और टेट पास कैंडिडेट अलग से तो कहीं से आएंगे नहीं, यही कैंडिडेट उन्हीं स्कूलों में भी जाएंगे, जी। तो दोनों का रेशियो बराबर चलता रहे, सप्लाई और डिमांड इक्वल बना है, बना रहा है उसी हिसाब से जी मैनेज कर रहे हैं। अभी देखिए टीटी का रिजल्ट जो है यूपी वाला 2022, ठीक उसको ही है सर। छोड़ दो साल ये आगे लेके चले गए सेशन जी करके, करके तो कुछ तो संख्या कम हुई, पुराने देखिए वाले के लिए कितने फायदा हो जाएगा। कितने कितने जो है जी मतलब क्या कहें, किस तरह से ये हमको लगता है चल सर रहा ये हमको लगता है ये 20 वाला था ना, है। इक्कीस हाँ वाला था, इक्कीस वाला था, 21 वाला। इक्कीस वाला है, 23 के पहले सर क्लियर नहीं होगा। अरे एक 17 में कराए, फिर एक 18 में कराए, 19 वाला 20 में कराए, 19 गायब कर गायब दिए, कर दिए और 20 में करा करके फिर 20 गायब हो गया, 21 में निकला, और 21 वाला 21 अभी वाला तक लग 23 नहीं में रहा है। जाएगा, इक्कीस वाला सर 23 में जाएगा। तो वो तो जो प्लान करके चलते हैं कैसे डिले करना है, लड़के खुद ही कुछ न कुछ करने वाले, तो लड़के गए कोर्ट तो इनको जी। कहीं न कहीं से कुछ चाहिए था, बस 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 के वो अपना रखो। कर लिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो है पुराना किए बिना हल, आगे नहीं बढ़ना है, तो नई भर्ती अभी तक नहीं आई है और जी टीटी नहीं बाधित आई ही है। जी। और जबकि सर जो है हर महीने प्राथमिक में 10,000 शिक्षक हर महीने जो रिटायर हो रहे हैं औसतन पूरे यूपी से, 10,000 प्राथमिक में हर साल हर महीने रिटायर हो रहे हैं। हो रहे हैं रिटायर हर महीने, हाँ अभी तो रिटायरमेंट का बना दिए हैं कि साल में 2 बार रिटायर करेंगे। अब अभी 2 बार करेंगे तो उतनी तो वैकेंट हो गई ना, वो तो अब तो एक्सीड कर रहा है ना अपने एज को। ये 10,000 हमें लग रहा है हर महीने नहीं, हर वर्ष का होगा। नहीं सर, नहीं नहीं सर, हर महीने है। नहीं हमने भी पढ़ा था कहीं पर, दस हाँ ग्यारह पेपर में ही हर था, वर्ष पेपर का में ही है। था सर, महीने का है, कि नहीं जबकि हर नहीं महीने 10,000-8,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं नहीं पूरे नहीं यूपी यूपी में है सर, आप बड़ा ही है ना। नहीं, इसको हमें अच्छे से याद आ रहा है, अच्छा हर वर्ष का हम भी आंकड़ा है। पेपर में ही नहीं, किसी हो हमारे सकता है। पास पेपर कटिंग भी है, हम तो रखे ही रहते हैं लगभग हाँ सारे, आप तो रखे तो रहते फिर तो हैं शेयर कर देंगे। जी। 10,000 का अब आंकड़ा हमको तो याद है, महीने का हो सकता है, हो साल का ही हो, उसमें तब भी जो पांच पांच न्यूज साल में आई पचास थी, हजार तो यही हो गया सर। हाँ उसमें जो न्यूज था वो यही था कि 10,000 वर्ष के हिसाब से कुछ वर्षों का जोड़ करके कि इतने पद और खाली हो चुके हैं, उसमें जोड़ा गया था। जबकि सर हमको जो हमारी जो मेमोरी कर रही है वो महीने का दिया हुआ है, देख लीजिएगा एक बार क्लियर हो देख लेंगे, जाएगा। वैसे हम 100% हमें याद आ रहा है, श्योर हैं कि वो 10,000 साल का है, महीना 10,000 बहुत होता है, साल में 1 लाख टीचर रिटायर हो जाएंगे ना, 1,20,000 हाँ, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, हो इतना काल सकता, है साल हाँ का। हो सकता हो। तो कुल मिलाकर के इधर कोई भर्ती नई हुई नहीं है, ये 69,000 हुई है, 3 साल हो चुका। 18 में आई थी, जी 19, 20, 21, 3 साल निकल गया, चौथा साल चल रहा है, कोई भर्ती अभी तक आई नहीं है। आई नहीं है यही सेम कंडीशन आप अगर देखेंगे दूसरे राज्यों का, जहां पर बीजेपी है, बिहार हुआ या उत्तराखंड, ऐसे ही बहुत धीमी गति से हर चीज वहां पर भी किया जा रहा है, सबको होल्ड करके रखा गया है। उसके पीछे कारण वही है कि जो सिस्टम है उसको सुधार रहे थे, और अब नियुक्तियों का समय आ गया है, कायाकल्प हो चुका है, थोड़ा नहीं, ये अगर थोड़ा कर लेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक होगा, और हमको दे। लगता है कि फिर किसी को चांस भी नहीं मिलेगा।
नहीं ऐसा नहीं है, अभी वो इन्होंने नहीं, अभ्यर्थी को नहीं, पार्टी को कह रहा हूं मैं, अच्छा पार्टियों को चांस नहीं मिलेगा। तो ये देख अच्छा अगर कर ले जाएंगे तो अदर पार्टियों को कोई चांस देगी? जनता देखिए एक ही तो नहीं मुद्दा, चांस देगी। एक ही मुद्दा है जिस पर इनको जो है सभी राजनीतिक पार्टियां बार बार घेरती रहती हैं, और वो है रोजगार का। रोजगार का, और वही वही रोजगार वही क्षेत्र वही में गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत कुछ कर रहे हैं, जी। गवर्नमेंट सेक्टर का खाली रह गया है। तो जैसे ही ये करेंगे ये सारी चीजें, तो वो भी जो है खत्म हो जाएगा। जी नहीं, चलिए, आप तो इसी को सही कह रहे हैं सर। वही वही राजस्थान जानकारी लेना था सर कि क्या नाम है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गति और स्पीड आता तो सही रहता जुलाई से सारे गति स्पीड सब दिखाई देंगे, जी। अभी तो छुट्टी चल रही है। और बाकी जी, बाकी तो सुन भी लिए सारी चीजें हम लोग की, डेमो वगैरह सारी चीजें होनी है तो पहले से पता हो ही गया है, ठीक भी है तो जी, ठीक भी अच्छी है बात है, कम से कम जो है अच्छे लोग जाएंगे, मेहनती लोग जाएंगे, पढ़े लिखे लोग जाएंगे, जी। जागरूक लोग ये सर जाएंगे। बहुत अच्छा है कि माइक्रो टीचिंग टाइप का अगर वो कर देंगे तो बहुत अच्छा है। पीछे बैठते हैं अपना पढ़ाई हम देख रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड पे आप कैसे पकड़ रहे हैं, कैसे जो है स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें तो माइक्रो टीचिंग वाली ही चीज करनी थी। भाई शैली देखना है कि क्या शैली है जी। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि हाई स्कूल इंटर करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, वो भी हमें लगता है हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन जुगाड़ से किए रहे होंगे। अच्छा, बिल्कुल बीएड है बीटीसी में एडमिशन लिए, वहां भी कभी झांकने नहीं गए, वहां भी जो है जी एग्जाम एग्जाम दिलवा करके पैसे वैसे के दम पर डिग्री ले लिए, कर जी जी कुछ और रहे हैं, टीचिंग में भी कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस फील्ड जी में मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं उनका। जी जी अब ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं हमें बस सरकारी मास्टर बन जाए, आराम की नौकरी बन करें, तो जाए ऐसे लोग की पहचान कैसे होगी? कैसे होगी? नहीं वो ऐसे ही होगी ना, ये सही तरीका है कि भाई आज आपका डेमो है, इंटरव्यू डेमो, ठीक है तो इंटरव्यू के कर दिया सेकेंडरी, आइए पढ़ाइए, उसी बच्चों के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है हम देख लिए, उसी पे मैपिंग कर लेंगे, बात खत्म। सारे क्लासरूम में कैमरे लगे हुए हैं, कोई पार्शियलिटी भी नहीं हो पाएगी भाई। अगर कोई प्रूफ करने की बात आएगी तो पार्शियलिटी भी तो नहीं हो पाएगी, कैमरे लगे हुए हैं, वीडियो सब तैयार हो रहा है सब कुछ जो है जी डिजिटल करते जा रहे हैं। अभी देखिए जी जी जो है टैबलेट लैपटॉप बांटने की शुरुआत हो चुकी है, और जी कह रहे हैं, और हमारा यूपी का जो है अभी जी जो विधानसभा है जी 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 वहां वो पर तो डिजिटल हो ही गया, भी, और लेकिन स्कूलों का अपने भी कितने माननीय है उनको चलाने ही नहीं आता सर सही है ना, कि वहां पर भी जी ऐसे ऐसे लोग आए, कम से कम पढ़े लिखे रहे, जी सही नहीं तो कोई भी थोड़ा भी है सा अपने क्षेत्र में फेमस हुआ बस नेतागिरी शुरू कर देता है। कर देता है जी तो कुल मिला करके सही है, हर जगह कैमरे लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो इससे जो है जी पार्शलिटी वाली ये सारी चीजें जो है सही है। जी। चलिए और बताइए। और सब बढ़िया सर, वही जानकारी इसी के लिए करना था, ज्यादा दिन हो गया था आपसे बात भी नहीं हुई थी, तो हमने कहा कि जो है कि बात कर ले, 2 दिन से मैं सोच रहा था, आया तभी से हमने कहा बात करते हैं आपसे, क्या अच्छा स्थिति है, थोड़ा सा हाल चाल भी हो जाएगा, वही डिले हो रहा था इसके वजह से। तो बस बाकी चीजें तो अपने आप दिख जाती है, मान लीजिए सत्र अभी तो स्टार्ट हुआ है और उसके बाद से बजट भी पेश किया इन्होंने, हाँ अभी तो कल ही बजट तो आया उसके है, हाँ उसके बाद ही तो बजट से ही पता चलता है कि किधर झुकाव है, क्या स्थिति है। हाँ तो काफी अच्छा बजट दिया इन्होंने शिक्षा के लिए, ठीक समग्र है, शिक्षा अभियान। मिला जुला सारा सारे सेक्टर है टच किए हैं, सारे सेक्टर को टच किए हैं, ठीक है मिला जुला बजट है, अपना चलता रहेगा भाई। एक परिवार चलाने में इतनी दिक्कत होती है, बाकी सारी चीजें हैं, विपक्ष का अपना काम है नहीं बोलना, वो अपना बोल रहे हैं, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए ना, कहीं कहीं बिल्कुल बिल्कुल हम जो है निरंकुश हो जाते हैं, जब हमको एब्सोल्यूट पावर जहाँ होता है वही क्राइम होती है, तो अगर विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो हम जो है निरंकुश हो जाएंगे, तो विपक्ष भी बिल्कुल मजबूत होना चाहिए ताकि कहीं कहीं मुद्दे पे विपक्ष की आवश्यकता पड़ती है तो बिल्कुल बिल्कुल वो होना भी चाहिए, ठीक है। बाकी सारी चीजें अपने जो इसीलिए तो प्रजातंत्र बनाया गया सर, जो है राजतंत्र को समाप्त करके जो प्रजातंत्र लाया गया इसीलिए ना, बिल्कुल हाँ कि हर व्यक्ति को मौका दिया जाए, अपने हिसाब से चुने, देखे जो बेहतर करे वो रहे लोक प्रशासन में, बाकी चीजों का तो चलता रहता है, समाज है तो ये सब चीजें पॉजिटिव हाँ निगेटिव पॉजिटिव ये नेगेटिव सब सब तो चलता वो रहेगा, कुछ सब अच्छा चलता कुछ बुरा रहता है। होता हाँ रहता है। पूरे वातावरण में तो बहुत सारी चीजें हैं ना, एक ही तरह की ऑक्सीजन भी है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सब है ना, सबका बैलेंस मना करेगा, जिसको जो लेना हो ले रहा है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, कोई ऑक्सीजन ले रहा है,
वो सारी चीजें हैं, तो अपने अपने फिल्टर करके ग्रहण करने की बात है कि आप बिल्कुल। ग्रहण क्या करते हैं, तो ये अच्छा, चीजें डिपेंड करती है एक सर। कॉल आ रही है, अभी रखेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके ओके ठीक सर, ठीक थैंक नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार सर। वेलकम।